जो 8 फरवरी का इलेक्शन है, इसके नतीजे को हमारे कायदे मोहतरम कायदे मिल्लत इस्लामिया अमीर राहे अजीमत अलावा हाफिज साद हुसैन रिजवी दामत बरकात मुरालिया ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। जो जुल्म आपने तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के साथ किया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने चाहा कि ये जमहूरियत के रास्ते से चाहते हुए चले, हम जमहूरियत के रास्ते से पार्लियामेंट में आते हैं। उस शब जब नतीजे आना शुरू हुए तो बिहम्दुलिल्लाहि ताला तेजी के साथ तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के उम्मीदवारान एक अच्छी पोजीशन के साथ लीड करते हुए नजर आ रहे थे। अगर आप फकीर के हलके की भी बात करें तो मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद है, उसके मुताबिक तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की फर्स्ट पोजीशन है। हम उस फॉर्म 45 की कारकर्दगी को पेश नजर रखते हुए बात करें तो तहरीक लीड कर रही है, और अगर इलेक्शन कमीशन के नतीज को कि पहले एक दो घंटे के नतीज आने के बाद बेदर पे 5-6-7 घंटे और अब तक जो नतीज रोके गए और फिर अंधेरे में अपनी मन पसंद के नतीज बनाएंगे, हम फॉर्म 45 पर एतमाद करें या फिर अंधेरे में बंद कमरे में बैठकर इलेक्शन कमीशन ने जो नतीज कौम के सामने लेकर आ रहे हैं हम इस पर एतमाद करें। आज अगर हम बात करें फिर आप कहते हो कि ये तहरीक लब्बैक वाले शिद्दत वाले हैं, अगर आप हमारा हक हमें नहीं दोगे, ये पूरे पाकिस्तान की आलमगीर तहरीक है, आल पाकिस्तान तहरीक है, या किसी सूबे की किसी गली की किसी इलाके की या किसी खास सुबान की तहरीक नहीं है, यह हर सुबान से ताल्लुक रखने वाले हर शहर हर सूबे से ताल्लुक रखने वाली तहरीक है। अगर तुम हमारे साथ यह जुल्म करोगे तो फिर हम अपने कायदे से कहने पर ये मजबूर है कि आप हमें इजाजत दो, हम सर पर कफन बांधे। अफसोस की बात यह है कि हमने सिर्फ पुरअमन एहतजाज और हमने नुमाइश से